हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। सो फाइनली दोस्तों, जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है एंड इस समय तक आपके रिस्पॉन्सेज भी आ चुके होंगे। काफी लोगों ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ आंसर की जो जेईई एनटीए ने निकाली है। तो इस समय काफ़ी एक्साइटमेंट और एन्जाइटी रहती है रिजल्ट्स को लेके एंड हम काफ़ी सारी रैंक प्रिडिक्टर साइट्स पे अपने मार्क्स के थ्रू रैंक चेक आउट करने की कोशिश करते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, चार अटेम्प्ट्स के बाद रिजल्ट्स काफ़ी वेरी होंगे एंड मार्क्स के बेसिस पे तो हम रैंक प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली इन वीडियोज़ और इन साइट्स को देखने में टाइम वेस्ट मत करो। एंड कमिंग ऑन टू द रिजल्ट्स पार्ट, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 7th मार्च तक जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा एंड अगेन दिस इज़ अ टेंटेटिव डेट, तो कोई भी फाइनल अश्योरेंस नहीं है। बट स्टिल एनटीए फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट सून। सो बिफोर कमिंग ऑन टू जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी दोस्तों, नेक्स्ट में हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड इन जेईई मेंस एग्जामिनेशंस and how toppers attempt difficult questions of JEE Advanced, ऐसी कुछ वीडियोस लाइन में हैं जो कि जल्दी आने वाली है। सो यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कर देना अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो क्विकली स्टार्टिंग, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एक दो दिन का रेस्ट ले लिया होगा एंड नाउ इट्स टाइम कि हमारा पूरा फोकस उठा के मार्च अटेम्प्ट पर डाल दें। सो यहाँ से दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, एक जो जेई मेंस फोकस कर रहे हैं एंड एक जो जेई एडवांस फोकस कर रहे हैं। सो जो बच्चे जेई मेंस फोकस कर रहे हैं उनके लिए तो सारे अटेम्प्ट्स ही मैंडेटरी हैं, बट जो बच्चे जेई एडवांस फोकस कर रहे हैं उन्हें भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यदि आपको लगता है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी भी कसर रह गई है एंड आपका स्कोर आप थोड़ा भी इम्प्रूव कर सकते हो, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज। आपको अभी सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रेश हैं, आपने अभी रिसेंट में जेई मेंस के टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने उनके मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करे हैं, तो एक बार जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जो भी गलतियां करी उनको एनालाइज करो एंड ट्राई कि हम पूरी तैयारी के साथ मार्च अटेम्प्ट में जाएं और हमारा बेस्ट दे के आ पाएं एंड उसके बाद हम हमारा पूरा फोकस जेई एडवांस पे डाल देंगे अच्छी तरीके से। सो फर्स्टली दोस्तों, यूट्यूब पे 15 to 150 marks in 15 days, ऐसे वीडियोज़ देखना बंद कर दो। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो सकता जो आपके मार्क्स को 10 times 15 days में इम्प्रूव कर दे। ज़रूर से ये स्कोर अचीव किया जा सकता है, बट इट वुड टेक टाइम एंड थर्ड अटेम्प्ट में अभी भी 3 महीने का समय है एंड माई अटेम्प्ट में 150 तो क्या आप 200 भी क्रॉस कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क विथ अटमोस्ट हार्डवर्क एंड डेडिकेशन एंड शो सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर वर्क। तो इन सब वीडियोस और इन सब फालतू कंटेंट में टाइम वेस्ट मत करो। एंड अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जेईई मेंस जो पेपर हुआ है फरवरी अटेम्प्ट का उसे उठाना है एंड उसके पहले के कम से कम 5 mock papers उठाने हैं। जनरली लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जो पेपर हमने उस दिन दिया उसको एनालाइज करो, बट मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ उस पेपर को एनालाइज करने की बजाय हमने जो उसके पहले कुछ मॉक पेपर्स दिए थे जस्ट 2 to 3 days बिफोर द examinations, उसमें भी हमारी प्रिपरेशन लेवल ऑलमोस्ट सेम थी एंड उनसे भी हमें एक अच्छा आइडिया लग सकता है कि हम इस समय किस पोजिशन पे हैं। तो हमें उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। फर्स्टली हमें ये देखना है कि हमें कौन से टॉपिक्स आते हैं कौन से नहीं आते हैं एंड किस टाइप के एरर्स हम कर रहे हैं। एंड एक बार ये सॉर्ट करने के बाद कि हमें कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो हमें एक पेपर लेना है एंड उसमें 3 columns बनाने, A, B and C। ए में वो टॉपिक्स आएंगे जिनमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस है एंड जिनका क्वेश्चन अगले अटेम्प्ट में आता है तो भी हम पूरी आराम से बना लेंगे। बी कैटेगरी में वो टॉपिक्स आएंगे जिनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हैं बट स्टिल हमें कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड सी में वो टॉपिक्स आएंगे जिनमें हमें शुरुआत से थियरी भी क्लियर नहीं है एंड जो हमें हमारा काफ़ी सारा टाइम लेंगे। सो दोस्तों, आफ्टर डूइंग दिस बायफर्केशन, बच्चे एक बहुत जनरल मिस्टेक ये करते हैं कि वो सी कैटेगरी के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एंड उन्हें वन बाय वन स्ट्रॉन्ग में या बी कैटेगरी या ए कैटेगरी में लाने की कोशिश करते हैं। बट राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड
कि सेकंड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वी जस्ट हैव 15 डेज, तो हम किसी भी एक टॉपिक को 4 से 5 घंटे या एक दिन का टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, हमें हमारे बी कैटेगरी के टॉपिक्स को ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, बिकॉज उनमें बस कुछ ही कंसेप्ट्स और कुछ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद हमें उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड हम फाइनल एग्जामिनेशन में उनका क्वेश्चन बना लेंगे। गई तो गई, 3 अटेम्प्ट और है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है एंड बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है हमें। हमें पूरे जोश के साथ फिर से अपनी प्रिपरेशन को उसी मोमेंटम के साथ कैरी ऑन करके मार्च अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से देना है एंड इसके बाद हम फाइनली सोचेंगे कि हमें एडवांस की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जिससे आपको आपकी स्पीड जेई मेंस में बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड जेई एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए खासकर एक पूरी सीरीज आएगी जिसमें आपको ये बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे जेई एडवांस में जो फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस आते थे उनको किस तरह पार्ट्स में ब्रेक करके अटेम्प्ट करते थे। सो स्टे ट्यून्ड और खूब पढ़ो यार और मचा दो।